going to be a ride plus stay. अरे बारिश शुरू हो गई यार, मेन तो टेंशन ये है कि मेरे कैमरा मेरा वाटरप्रूफ नहीं किया। बैंगलोर टीम का कॉल आया था एंड आई थिंक दे हैव ऑलमोस्ट रीच्ड और मैं अभी तक काफ़ पे ही हूँ। बारिश भी बीच में आ रही है, रुकना पड़ रहा है। मुशी डैम इज क्लोज, ये भी प्लान फ्लॉप है। बारिश में एक्चुअली थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया इसके लिए बारिश का, अदरवाइज इट वाज फाइन। योर रिकॉर्डिंग इज ऑन। हाँ कार जिसमें बैंगलोर टीम है।
bit difficult. केकड़ा तक, केकड़ा तक कैसे जा रहे थे? Look at that. So this is the place. इसने मेरा पैर मोड़ दिया है. आते आते ब्यूटीफुल. अरे बाप रे, डोंट टेल मी. इट्स नॉट इजी यार. All the struggle. कुछ दो घंटे पहले यहाँ पे पहुँचे हैं. काफ़ी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है ये. थोड़ा अंदर है बट इट ऑल वर्थ एज अ सेट. दिस इज़ द वे मेन एंट्रेंस जहाँ पे हम लोग आए. यहाँ पे गाड़ी पार्क है, वहाँ पे मेरी बाइक पार्क है. एंड दिस इज़ द विला. ओके, ड्यूप्लेक्स है. यहाँ पे स्विमिंग पूल है एक छोटा सा. हम जस्ट अभी पूल से बाहर आए. दिस इज स्विमिंग पूल with this beautiful view. This is the rest area.
गुड मॉर्निंग फ्रॉम पावना लेक लोनावला। सुबह हम लोग कुछ 6:30 बजे उठे एंड जैसे बाहर देखा मौसम काफ़ी बढ़िया था। यहाँ पे रात को नींद भी अच्छी खासी आई। लोकेशन के साथ साथ प्रॉपर्टी भी बहुत ब्यूटीफुल है। थोड़ा अंदर आ जाता है, आपको खुद की कार लगेगी। व्हेन यू रीच एट द गेट तो वहाँ से थोड़ा स्लाइडली नीचे, सो बी केयरफुल व्हाइल कमिंग डाउन बिकॉज थोड़ा स्लाइडी मडी है एरिया बारिश की वजह से। तो हम लोग को थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हुई टू रीच टिल द विला, तो वो एक ध्यान रखना। द विला काफ़ी स्पेशियस है, 8 से 10 लोग अगर आप प्लान कर रहे हो तो इट इज़ अ वेरी गुड स्पेस। वी हैव 2 bedroom, 3 washrooms एंड लिविंग रूम। अंदर भी देर आर लॉट ऑफ गेम्स विच यू कैन प्ले विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो द डाइनिंग टेबल इज़ देयर। फूड इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट इट विल बी इंक्लूडेड। अदर देन दैट द मेन पार्ट इज़ द व्यू। आपको सामने ही लेक और माउंटेंस का व्यू मिलता है। इफ़ यू आर समवन हु लाइक्स द नेचर एंड वॉन्ट अ पीसफुल डे आउट, इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू बी हियर। हम लोगों ने काफ़ी मज़े किए। आज भी हम लोग सुबह उठे तो काफ़ी अच्छा मौसम था बाहर। सो ऑल इन ऑल इट इज़ वेरी गुड। ये विला का जो नाम है वाटर्स एज पावना करके डाल सकते हो टू बुक दिस प्लेस। मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा सो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट देम। प्राइस भी आप नेगोशिएट कर सकते हो एज़ पर द पीपल। ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया था, अच्छा था, मज़ा आया। पावना के पास अगर आप कोई प्लेस देख रहे हो तो इट इज़ द बेस्ट प्लेस। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे एंड थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे। इफ़ यू हैव एनीथिंग एल्स जस्ट कमेंट डाउन बिलो सो दैट आई कैन आंसर। ओके सो वी आर लीविंग नाउ। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। वी हैड लॉट ऑफ फन, वी हैड स्पेंड सम वेरी गुड क्वालिटी टाइम। तो अभी मैं कुछ शूट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ द सेम वे बैक होम। सो ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करना एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए कीप वैंडरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।